पंजे को लेके एक सर्कल बनाए, सर्कल बनाए। अब दूसरी पंजे को लेकर एक सर्कल बनाए। वेरी गुड। और वो जो लोग चल सकते हैं तो आराम से चले, पक पक दोनों हाथों को फैला दे उंगलियों को और एक बतख की तरह चलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लवली। आप नी को ऊपर की तरफ लेंगे और सीधा, वन टू वन टू वन टू वन टू एंड रिलैक्स। कमर को घुमाएंगे, वन टू थ्री फोर, फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स। अभी हाथों को ले जाए, राइट हैंड को ऊपर की तरफ खिंचा दे और थोड़ा सा स्ट्रेच करें और धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाए और अपना राइट कमर को थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाए ताकि आप और थोड़ा सा झुक सके, लेकिन आपका दंड कान में सटी हुई। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को नीचे। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचा दे, खींचा दे। अभी लेफ्ट कमर को लेफ्ट की तरफ ले जाए ताकि आपका बॉडी अच्छी तरह से राइट की तरफ टिल्ट हो सके। शरीर आगे नहीं झुका है ना पीछे है, बिल्कुल अपनी कमर की सीधे में है। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, अपने उंगलियों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दे और ऊपर की तरफ खिंचा दे। दोनों पैर में गैप रखें और राइट साइड पर चले जाएं। शोल्डर को सीधा करते जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, लेफ्ट साइड में जाएंगे और हाथों को सीधा कर ले। श्वास भरे और दोनों पैरों को पास में ले आए। श्वास भरते भरते हमें अभी आगे को झुकना है, ठीक है। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो डायरेक्ट कभी नहीं झुके, वो हमेशा एक पंजे आगे रखेंगे और एक पंजा पीछे रखेंगे, ठीक है। पहले जिन लोगों को कमर दर्द है वो मैं सिखा देती हूँ, फिर बाद में दूसरे लोग करें। ऐसे ही हाथों को बांध के रखें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाए। श्वास भरते भरते आगे आ जाए। ऐसे ही बाएं पैर के साथ करेंगे। अभी बाएं पैर को आगे ले जाए, दोनों हाथों को बांध ले। श्वास भरते भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे को ले जाए हाथों को और अपना सिर को झुका दे आगे। श्वास भरते हुए आगे। अभी जिन लोगों को कमर में दर्द है वो नहीं करें, दूसरे लोग कर सकते हैं। श्वास छोड़ते, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाए। जिनको नी में भी दर्द है तो वो थोड़ा सा अपने नी को टेस्ट कर दे आगे झुक के बोल, और जिन लोगों को ठीक है कर सकते हैं। श्वास भरते भरते हाथों को ऊपर ले जाए। अभी दोनों हाथों को सीधा कर ले
अपने हाथ को पूरी तरह से स्ट्रेच करें। हाँ ये देखिए पूरी तरह से उंगलियां पीछे की तरफ खींची हुई है। अब राइट, जिन लोगों को नी में दर्द है और दोनों पैर सीधा रखते हुए आप कभी भी बॉडी को मूव ट्विस्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे इसी तरीका से एक पैर को आगे रखते हुए पहले एक बार ऐसे करके देख ले, इन फ्यूचर कभी आपको नी में दर्द नी में पेन होगा तो आप इसी तरीका से मूवमेंट करेंगे, एक पैर आगे और एक पैर पीछे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, उंगलियां बिल्कुल अंदर की तरफ खींची हुई। अब शरीर को मूव करें साइड में ले जाए। रिलैक्स, आप दूसरे पंजे को आगे लेकर जाएंगे और एक पैर पीछे, स्ट्रेच करें उंगलियां को, फिर देन ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट करें बॉडी को। एंड रिलैक्स। अभी अपने कंधा और कोहनी, यस वन मिनट, ओके, अभी दोनों हाथों को दोनों उंगलियों को अपने कंधे के पास ले जाएंगे और अपना कोहनियों को दोनों को जोड़ेंगे, ओपन करेंगे, जोड़ेंगे, ओपन करेंगे, जोड़ेंगे एंड ओपन करेंगे। अब राइट लेफ्ट इसी तरीका से बॉडी को, बॉडी के ऊपर के भाग को मूव करेंगे। एंड रिलैक्स। अभी आगे ले जाएं कोहनियों को, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे, इसी तरीका से इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करें। ओके, अभी ऑपोजिट साइड श्वास भरते हुए पीछे से श्वास को आगे की तरफ से छोड़ते हुए कोहनी को रोटेट करें। आप उच्चय ब्रेथ के साथ भी इसे कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। अभी अपना हाथों को पीछे ले जाए, बांध ले और श्वास भरते भरते आप हिप मसल्स को टाइट करें और उसे आगे ले जाए और पीछे की तरफ झुक जाएंगे। अगर ज्यादा दर्द है कमर में तो आपने हाथ को प्लेस करें कमर में, देन टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ इन, टाइट योर हिप मसल्स, आगे की तरफ स्ट्रेच करें और पीछे। श्वास छोड़ें और आगे की तरफ। अभी हम कुछ गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन के लिए अपना कान को अपने कंधे पर लगा दें और अपने लेफ्ट हैंड को ले जाए और हल्का सा प्रेशर, बहुत हल्का सा जेंटल उसके ऊपर या तो रख सकते, हल्की सी रखे, रखने से भी थोड़ा सा भार आपके सिर पे आएगी। श्वास छोड़ते हुए सीधा, देन आपका लेफ्ट ईयर कंधे पर ले जाए और राइट हैंड को आप कान के ऊपर रख ले। जस्ट जेंटल प्रेस एंड रिलैक्स। अब राइट साइड में अपने चिन को लेकर अपने
शोल्डर के पास ले जाए, धीरे धीरे मूव करें शोल्डर और आपका जीन बिल्कुल सीधा रहे पेट की जगह पर। अगर नहीं हो रहा है तो श्वास भरे और थोड़ा सा पीछे भरे। सीधा अब लेफ्ट की तरफ आपको चिन को लेकर जाए, सीधा एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अभी धीरे धीरे पूरी रोटेशन करेंगे अपने सिर के साथ, तो चिन पे लगा दे। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है वो रोटेट करते वक्त ऊपर से ही इसी तरीका से करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना है और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको थोड़ी को छाती में लगाने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को गर्दन में पेन रहता तो वो लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन आगे के वक्त बिल्कुल सीधा अपने चीन को ले जाएंगे। दूसरे लोग पूरी तरह से रोटेट करें, एकदम प्यार से जेंटल, पूरी आरामदायक रोटेशन, क्योंकि गर्दन सबसे ज्यादा नाजुक पार्ट है, तो इसको अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो गर्दन में दर्द होगा। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाए। एंड रिलैक्स। अब अपना कंधे के सीधे में अपने दोनों अंगूठे को रखें, साइड में बिल्कुल कॉर्नर में अपने अंगूठे को रखें और कोहनियों को जितना हो सके पीछे लेकर जाए। अभी देखिए गर्दन की जो पिछले भाग है उस पर आपको टाइटनिंग हो रहा है और ढीला छोड़े और एक बार लेकर जाए, जहां से आपका धड़ और गर्दन जो बॉडी और नेक शुरू होता है उसी जगह पर के लिए ये बहुत बढ़िया आसन। एंड रिलैक्स और एक बार चेस्ट मसल्स को टाइट करें, उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेच करें, अंगूठा अपने कंधे के ऊपर। एंड रिलैक्स। अभी अपना लेफ्ट हैंड को बिल्कुल ले जाए, पीठ पे सीधा रखें, सीधा रखें। अब हो सकता है तो ऑपोजिट लेग को जाए, नहीं तो बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को ले जाएं पीछे नमस्कार मुद्रा में, अगर ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक हाथ को प्लेस करें फिर बाद में उसको ढीला छोड़ दें और आप ऑपोजिट हाथ को पीछे लेकर जाएं और आगे झुक जाएंगे। श्वास छोड़े, शरीर को ऊपर लेकर आए। एंड रिलैक्स। वेरी गुड। ओके, अभी हम लेटने वाले योगा करेंगे। बहुत लोगों ने उन्होंने कुछ सिटअप्स के लिए बोला था कि थोड़ा पेट को कम करना है, बॉडी को कम करना है, तो ऑब्वियसली चलो मुझे भी जरूरत है तो मैं भी करती हूँ आप लोगों के साथ। जिन लोगों को कमर दर्द है वो क्या करेंगे और जिन लोगों को कमर दर्द नहीं है वो क्या कर सकते हैं वो भी बताते हैं आज। इसीलिए मैं बहुत स्लोली और धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि आप दोनों श्रेणी के लोग भी इसको कर सकते हैं। ओके, लेट, अभी सीधा लेट जाए, अपने नी को बेंड रखे, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए, स्ट्रेच करें और अपने दोनों नी को राइट साइड और लेफ्ट साइड। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो कर सकते हैं धीरे धीरे, इसी को कंटिन्यू करें। ये करेंगे देन अपने सिर के नीचे दोनों हाथों को प्लेस करेंगे, रखेंगे और अपने राइट लेफ्ट अपने पैरों को पूरी तरह से
सीधा और उड़ी के, ठीक है ओके। और जिन लोगों को अभी कमर या पेट कम करना है तो उन लोगों के लिए अभी सिटअप्स करेंगे, दूसरे लोग ये दोनों को कंटिन्यू करें। अभी श्वास भरेंगे और ऊपर की तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स। अभी आराम से इसी तरीके से बैठ जाए, कमर को सीधा कर। अभी हम दूसरे सेटअप्स करेंगे। अभी क्या करेंगे, दोनों पैरों को, अच्छा जिन लोगों को पूरा नहीं हो रहा है तो एक बार कमर के नीचे हाथों को प्लेस कर दे और दोनों पैरों को उठा दे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स। अभी पैर और बॉडी दोनों को अलाइनमेंट करेंगे और राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कंटिन्यू करें। यस गुड, बहुत अच्छा। गुड, अभी हम सीधा लेटे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, अपने पेट के मसल्स को ढीला करें और पूरी बॉडी को आराम दें, फिर हम योगा की तरफ चलेंगे। अभी हम पवन मुक्त आसन करेंगे। अभी अपने राइट लेग कोनी को बेंड करें, छाती में अच्छी तरह से दबा के रखें, बाएं पैर को बिल्कुल जमीन पे दबा के रखें, श्वास भरे और सिर को उठाएं। एंड रिलैक्स, लेफ्ट लेग मोड़ दें, अपने नी को छाती में दबाएं, राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड रेज योर हेड अनवर्ड योर नी। श्वास छोड़े, सिर को नीचे ले आए। अभी दोनों पैर से करेंगे पवन मुक्त आसन। जिन लोगों को कमर में दर्द है उनके लिए भी ये आसन अच्छा है, लेकिन सिर को नहीं उठाएंगे, बस ऐसे ही दबा के प्लेस करेंगे, लेकिन सिर को नहीं उठाना है। जिन लोगों को दर्द नहीं है तो फिर वो श्वास भरे और धीरे धीरे सिर को अपने नी के पास लेकर आए। श्वास छोड़े और रिलैक्स। अभी नटराज आसन करेंगे, ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया आसन है नटराज आसन। अपने दाहिने पैर को मोड़ ले और बाएं घुटने के ऊपर रखे। अब बाएं हाथ से अपने राइट नी को लेफ्ट की तरफ ले जाएं और राइट की तरफ देखें। रिलैक्स
अभी हम लेफ्ट लेग को ले जाए और राइट नी के ऊपर प्लेस करें, राइट हैंड को राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को पकड़ते राइट की तरफ ले जाए और बाएं तरफ ले जाए। स्वास्थ्य भरे सीधा सेतु बंद आसन करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसी सेतु बंद आसन से पहले जिन लोगों को कमर में दर्द है तो ये वाले आसन करेंगे, इसके बाद जो लोगों को कमर में दर्द नहीं है वो लोग सेतु बंद आसन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जिन लोगों को कमर में दर्द है वो इसी अवस्था पर आ जाए, घुटनों को मोड़ ले, दोनों हाथों को जमीन में प्रेस करें और अपने पेट और कमर को जमीन की तरफ दबाव दें और देखें कि पूरी पीठ के रीढ़ अब जमीन की तरफ हो गई है। पहले जो आपके कमर के पास जो थोड़ी सी गैप था, देखिए सब लोग हाथ में डाल के क्या आपकी कमर और पीठ जो जगह है वहां कोई स्पेस है क्या? अगर स्पेस है ये वाले आसन से आप कम करें स्पेस को, जितना कम करेंगे उतना आपको दर्द कम होगा। तो जिन लोगों को कमर में दर्द है तो हो सके आप अपने पंजे को भी उठा लें, आप पंजे के ऊपर आ जाए और प्लेस करें, दबाव दें अपनी कमर को, प्रेस 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 करें, हाथ को भी प्रेस करें और रिलैक्स करें। और एक बार टाइट एंड रिलैक्स, और एक बार करेंगे टाइट 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 एंड रिलैक्स। दूसरे लोग मेरे साथ सेतु बंद आसन करेंगे, श्वास भरते हुए अपनी कमर को उठा दे ऊपर, वन टू थ्री फोर एंड रिलैक्स। और एक बार ले जाएंगे हाथों को ऊपर ले जाए और नीचे दोनों हाथों को बांध ले, उंगलियों को बांध ले। श्वास छोड़े और कमर को नीचे ले आए। अब राइट साइड उठ जाए, अपने नी को छाती में लगाए और सीधा करें, वन रिलैक्स, टू रिलैक्स, थ्री रिलैक्स, और अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़े और पीछे लेकर जाए। इसी सिचुएशन पर है, एंड रिलैक्स, ऑपोजिट साइड, अपने घुटनों को छाती में लगे, वन टू वन टू वन टू वन टू एंड रिलैक्स। अब अपने एंकल को पकड़े और पीछे ले जाए पैरों को, हाथ से अपने पैर को पकड़े जैसे धनुरासन करते हैं इसी प्रकार से पीछे ले जाए थोड़ा सा घुटनों को और रिलैक्स करें। अभी हम पेट की बल पर आसन करें, अभी हम दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़े
आपके पैर को बारी बारी वन टू वन टू वन टू वन टू और एक साथ दोनों पैरों को भी ले जाएं और टाइट करें, जैसे कोई कुशन है आपकी कमर के ऊपर आप उसे दबा रहे हैं, इसी तरीके से टाइट करें मसल्स को एंड रिलैक्स। और एक बार ले जाएं, टाइट करें एंड रिलैक्स। भुजंगासन के लिए तैयार हो जाएं, श्वास भरते हुए सिर को उठाएं, छाती को उठाएं और थोड़ी सी ऊपर, लेकिन पेट के आसपास की एरिया जमीन पर है, और कंधा को ढीला छोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे लेकर आ जाए। दोनों घुटनों को मोड़कर अपने मोड़ ले, हाथ से अपने पैरों को पकड़े धनुरासन के लिए। धनुरासन करें, श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा कर ले, मकरासन पे लेटे, मकरासन पे आराम से लेट जाए। अभी अपने दोनों घुटना और हाथ पर आ जाए। कैट एंड कैमल स्ट्रेच, श्वास भरे, सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं और आपकी पेट जमीन की तरफ और हिप्स आपकी ऊपर की तरफ, श्वास छोड़े और चीन आपको छाती में दबा दे और पीठ को एक ऊंट के भांति ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। Feel the stretch in your spine. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पीठ को ऊपर की तरफ टाइट करें और आपके कमर को अभी अपने हिप को एड़ी के पास लेकर जाए और हाथ को आगे की तरफ ले जाए और आपके माथा को जमीन पे लगा दें, फोरहेड टचिंग टू द ग्राउंड। अभी दोनों पैरों को एक तरफ ले जाए, कोहनी के ऊपर आ जाए, राइट हैंड को पूरी तरह से सर्कल में लेकर जाए, दो बार सीधा एंड दो बार उल्टी दिशा पर विपरीत दिशा पर घुमाए। ऑपोजिट साइड, दोनों नी को एक ही तरफ घुमाएं और अपने कोहनी को दबा कर रखें और पूरी तरह से हाथों को घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स करें, अपने राइट पैर को हाथों में पकड़े और मूवमेंट राइट टू लेफ्ट। एंड रिलैक्स, ऑपोजिट लेग को भी इसी तरीके से ले जाएंगे और हाथ से पकड़ेंगे और
right to left. Relax, exhale बंद और सीधा अपनी जगह पर लेट जाएंगे. शवासन पर लेट जाएं, पूरे शरीर को आराम दें. एक लंबी श्वास अंदर भरे और धीरे धीरे श्वास को छोड़े. और एक बार श्वास को भरे और श्वास को छोड़ते जाए. पूरी शरीर को ढीला छोड़ दे. जस्ट रिलैक्स योर बॉडी माइंड, रिलैक्स योर ब्रेथ. Relax your whole body. Relax your whole body and lie down in your yoga mat. Relax your both leg, right leg, left leg. Relax your knee. Relax your navel area, hips. Relax your chest muscles. Relax your right hand, left hand, both shoulder. Take a long and deep breath in and slowly breath out. Relax your face. Relax your forehead. Relax your top of your body. Free from everything. Relax your whole body. Thank you.
removed. Now the time for aware your surrounding. Aware your breath. Aware your body. पूरी शरीर के प्रति ध्यान ले जाए. Take a long and deep breathing. And turn to your right side. दाहिने करवट बदल ले. आंखें बंद करते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे. Just sit up with close your eyes. Now, Nadi Shodhan Pranayam. Both hands in the middle of eyebrows. Then close your right nostril. Take a long and deep breath with your left nostril. And release on in your right nostril. Take a breath with right nostril. Relax with left. Take a long and deep breath in with left nostril. Relax with right nostril. Take a long deep breath in with right. Release with left. Continue in yourself. When you release your breath with left nostril, then you may relax. Now the time for meditation. Just close your eyes. Spine erect. Just you feel you are divine. And relax yourself. मैं अपना वीडियो बंद की हूँ लेकिन आप लोगों को देख पा रही हूँ, इसीलिए आप लोग मेडिटेशन करें, परेशान नहीं होना है. ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड स्पाइन इरेक्ट. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो. एक साधारण श्वास ले और छोड़ दे. You can take a deep breath in and slowly breathe out and relax your breath and body. Listen to the noise around you. जो भी आपकी चारों तरफ आवाज आ रही है उसको ध्यान में रखें. Watch and listen carefully for any noise around you.
एक्सेप्ट ऑल द नॉइज, सभी आवाज को अपना ले। बी इन हार्मोनी विद द एनवायरमेंट, जो भी शब्द आ रही है, जो भी आवाज आ रही है, उसमें एकाकार हो जाए। म्यूजिक की आवाज, गाड़ियों की आवाज, द नॉइज ऑफ म्यूजिक, ट्रैफिक, एनी टाइप्स ऑफ नॉइज, जस्ट हार्मनी विथ इट। यू आर द पार्ट ऑफ दिस नॉइज। Take a deep breath in and slowly breathe out. Become aware of your physical body, leg, hips, lower abdomen, upper abdomen, chest, both hand, shoulder, face, puri sharir ko aaram de. Whole body, just relax your body. Take a deep breath in and relax yourself. Become aware of your thoughts. जो भी विचार आ रही है उस पर ध्यान ले जाएं। Whether good thoughts or bad thoughts, अच्छे विचार और बुरे विचार, जो भी विचार आ रही है, be in harmony with them, उनके साथ एकाकार हो जाए। Now you harmony in with your thoughts. आप विचार के साथ एकाकार हो गए हैं। Every thoughts coming and going, just like a cloud of the sky. Become aware of your feelings. जो भी भावनाएं आ रही है उस पर ध्यान ले जाए। You are peace, you are joy. Become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. Become aware of your sensation in your body. धीरे धीरे अपने
भावनाओं के प्रति और शरीर के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे अपने परिवेश के प्रति सजग हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट। Take a deep breath in and let it go. Very slowly and gradually at your own speed, you open your eyes. धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपनी समय लेते हुए अपना आंखें खोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, अनम्यूट योरसेल्फ। यू मे अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू आस्क समथिंग इफ यू वांट। म्यूट हो पा रही है? देखिए एक बार ओपन करें। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है? ओके, ओके लक्ष्मी जी, थैंक यू। देखिए हम लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने सीखा तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग ऑनलाइन योगा कर रहे हैं तो हमें किस चीज की ध्यान रखना है। ठीक है, योगा इतना इजी नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी जो भी नस नाड़ियां हैं उस सब में खिंचाव होता है ना। यू स्ट्रेच योर पूर बॉडी, तो योर बॉडी लाइक ए प्लास्टिक, जैसे आप खींचते हो तो प्रॉपर अगर खिंचाव नहीं हुआ, अगर ट्विस्ट हो गया खिंचाव में, देन आपको बहुत ज्यादा परेशानी और आने वाले हैं। तो इसलिए केयरफुल रहे। ये ऑनलाइन फ्री योगा क्लासेस है लेकिन आपकी शरीर आपके साथ है, आपकी शरीर की भाषा को आपको पहचानना है ना? तो Be careful about stretching. तो जब भी हम स्ट्रेच करते हैं या तो ऑनलाइन क्लासेस पहले आप आपकी बॉडी को वार्म अप कर ले, या तो एक वॉकिंग करके आ जाइए बाहर। तो अगर 7 बजे है तो आप 6:15 से चले जाइए, या तो 6 बजे जाइए, थोड़ा वर्कआउट करें बाहर, देन आने के बाद फिर योगा करेंगे। ठीक है, देन मिलते हैं फिर ट्यूजडे इवनिंग। ओके, बाय बाय एवरीवन, लव यू। थैंक यू प्रतिमा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस यस, लवली। ओके, बाय बाय। Good night.